इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट दोनों देशों के बीच जो काफी लंबे समय से ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, उससे संबंधित है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर साल 2010 से लेकर बातचीत चल रही थी, यानी कि पिछले 13 सालों से। और अब इसी चीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि G20 से पहले अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि G20 को अभी मात्र 7-8 दिन बचे हैं। और जिस तरह से सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों ने भारत को एक बहुत ही बड़ा शॉक दिया, ठीक उसी तरह से भी कनाडा ने भी G20 से पहले भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत को इस चीज को लेकर, यानी जो डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर भारत को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये जो जस्टिन ट्रूडो ने किया है, उन्होंने अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब ये चीज हम सबको बताएं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े संगठन इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि भारत साल 2028 तक जर्मनी और जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे एक्सपोर्ट्स भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और साल दर साल कई सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। भारत के इसी ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए दुनिया के कई सारे देश आज की डेट में भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। कईयों ने तो साइन कर लिए हैं, जबकि कई सारे देशों के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ट्रेड टॉक्स अभी भी चल रही हैं। पिछले काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। उससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक ट्रेड डील साइन की थी। इसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है, और अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो यूरोप के कुल 27 देश भारत की पहुंच में हो जाएंगे। अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, मगर जो बाइडेन के आने के बाद से वो काफी हद तक डीरेल हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल और भारत भी आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए टॉक्स कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों देश एक दूसरे देश के इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। इससे देश के एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़ोतरी होती है, और आमतौर पर जब भी दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो इम्पोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ या फिर कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसको हटा दिया जाता है या फिर उसको बिल्कुल कम करके काफी मिनिमम ड्यूटी लगाई जाती है। अब कुछ इसी तरह का ट्रेड एग्रीमेंट भारत और कनाडा के बीच भी साइन होना था, जिसको लेकर साल 2010 से ही, जिस समय भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब से ही भारत और कनाडा आपस में नेगोशिएशन कर रहे थे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सारी टॉक्स अचानक से बंद कर दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा की सरकार ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर सारी टॉक्स फिलहाल के लिए पॉज कर दी है, और इसको लेकर कनाडा की सरकार का कहना है कि वो अपनी खुद की पोजीशन को इस समय असेस कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि कनाडा किस पोजीशन के ऊपर लाई करता है। इसलिए उन्होंने जो भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर टॉक्स चल रही थी उसको फिलहाल के लिए पॉज कर दिया है। इसके साथ ही कनाडा की सरकार ने पिछले कल कहा है कि ट्रेड नेगोशिएशंस काफी लंबा और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको काफी समय लगता है, और जो भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स चल रही थी उसको फिलहाल के लिए रोकने का फैसला किया गया है। हालांकि कनाडा की सरकार ने ये नहीं बताया कि आखिर कौन से मुद्दे के ऊपर भारत और कनाडा के बीच ये जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी ये आकर रुक गई है, यानी ऐसी कौन सी डिमांड थी जो ना भारत मानने को तैयार था और ना ही कनाडा की सरकार, और इसको लेकर जो सारी मीटिंग्स थी उनको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, और इसको लेकर अगली कोई भी डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं की जा रही हैं। अब जो ये कनाडा की सरकार की तरफ से ये स्टेप उठाया गया है, इसको G20 के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 7-8 दिनों के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो G20 को अटेंड करने के लिए भारत आने वाले थे, और जिस दौरान वो भारत आकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी यहाँ पर मीटिंग करने वाले थे। अब आप खुद ही सोचिए कि जब वो भारत में आते तो बाकी कई सारे मुद्दों के साथ ट्रेड टॉक्स को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ डिस्कस कर सकते थे। जो भी उनके सामने परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उसके बारे में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट बात कर सकते थे। लेकिन कनाडा ने उल्टा क्या किया कि G20 से पहले भारत के साथ सभी प्रकार की ट्रेड नेगोशिएशंस को फिलहाल बंद कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और कनाडा ने जो आपस में ट्रेड टॉक्स थी वो कई साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी। आप खुद ही सोचिए कि ये टॉक्स साल 2010 में स्टार्ट हुई थी और पिछले 13 सालों से ये टॉक्स चली रही थी। अब ऐसा माना जाता है कि कनाडा में जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं उसके बाद से दोनों देशों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काफी असर पड़ा है, और कनाडा की सरकार भारत की कुछ डिमांड्स बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कनाडा की सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है इसके कारण भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस समय जितनी जरूरत भारत को कनाडा की है उससे कई गुना ज्यादा जरूरत कनाडा की सरकार को भारत की है,
क्योंकि भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के अंदर एप्पल के प्रोडक्ट से लेकर बड़े बड़े प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग तक स्टार्ट होने वाली है। हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लगातार आते जा रही है, इसलिए कनाडा की सरकार को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से फायदा ही होता, ना कि नुकसान। लेकिन खैर, ये कनाडा की सरकार का फैसला है और जब तक कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तब तक यही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कारण कनाडा के ऊपर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है।